सरहिंद जीआरपी में तैनात एक एएसआई सुखविंदर पास सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। एएसआई की कार सरहिंद भाखड़ा नहर के किनारे मिली, पास में एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में लिखा है कि जीआरपी के थानेदार और मुंशी उसे परेशान करते थे, जिसमें जीआरपी के एसएचओ और मुंशी का नाम लिखा है। फिलहाल लापता एएसआई की तलाश की जा रही है। पुलिस और परिजन लापता एएसआई की तलाश में जुट गए हैं। गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। एसपी राकेश यादव ने बताया फिलहाल लापता एएसआई की जो रिपोर्ट है वो मलेपुर थाने में दर्ज कर ली गई है। अभी ये जानकारी नहीं है कि आत्महत्या की गई है या नहीं। गोताखोरों की मदद से नहर में तलाश की जा रही है। जब कोई सुराग मिलेगा तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड नोट में जिन दो लोगों के नाम लिखे हैं उनकी भी जांच की जा रही है। मामला जी सानू एक रिपोर्ट मिली है जी और DDR एंट्री कर ली है। असी मिसिंग परसन दी जड़ा ASI है सुखविंदर पाल सिंह उसकी भाल की जा रही है और सानू जड़ी इनफॉरमेशन है उसके मुताबिक या एक कह गया है कि नहर दे उत्ते छाल मारी है, बट साढ़े पासों जदों तक डेड बॉडी रिकवर नहीं होंदी है ही इज़ मिसिंग। सो बनती कार्रवाई जब कोई इनफॉरमेशन साढ़े को आएगी की जाएगी। हाँ जी सुसाइड नोट भी है उसकी भी जाँच की जा रही है जी और उस दे विच भी जड़े कंटेंट है उसनों भी देखा जा रहा है जी। नाम भी दिते गए हैं पर अपना मानना जो तो कि मिसिंग परसन की मतलब उसकी कोई इनफॉरमेशन साढ़े को नहीं आती उस वेले तक असं बाकी और कमेंट नहीं कर सकते जांच के विषय है।